गोरेलाल फौजी के नाथी जी, इनकी तरफ से हमारे गले में ये नोटों का हार आ रहा है। भगवान सर्व सुखी रखे, दीर्घायु प्रदान करते रहे और समाज में सम्मान मिलता रहे, यही हमारी आशा, यही हमारी आकांक्षा। बोलिए बेटा, लुटा के घर भी रखता, बताओ रखता कन्हैया के घर भी? हाँ, कन्हैया के घर भी। पंडित जी आगे जाओ, और आगे जाएगी थोड़े राइट, राइट, और राइट होगी सामने जाएगी लेफ्ट, और ठीक सामने मुक्के को हवेली दिखाई दे। आगे जाके डेरे हाथ में मुड़ना है, ठीक सामने जाओगे तो कन्हैया की जो हवेली दिखाई दे रही है वही सामने की। अच्छा, सामने बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कन्हैया की हवेली है। बेटा मैं जाता है, सीधे जाता है, परेशान मत हो, नमस्ते जाता, थैंक यू सो मच। पंडित जी आगे बढ़ी और जाकर के वही पहुंचे हैं जहाँ ऊंचे से सिंहासन पर श्याम सुंदर बैठे हुए। साईं साहब बोलिए, कहिए। जूते जमनी जैसे रीठा है, कन्हैया मन की बात समझ गए कि पंडित जी क्या सोच रहे हैं। श्याम सुंदर ने मोहनी मूर्ति में मुस्करा दिया, और जैसे ही श्याम मुस्कराए एकदम से प्रकाश हो गया। खैर कोई बात ना, कालो है दिल को बड़ो भलो बालो है, जो मुस्किया है वो एकदम घर में प्रकाश हो जाए, हेलोजन की जरूरत ना है, बिक्की को जनरेटर ना करवाना पड़े। भगवान कन्हैया कहने लगे, ब्राह्मण जी क्या सोच रहे हो? सोच कर चुना रहे का।